मैं और आप भी कर लेते हैं। ऋषभ पूछ रहा है मुझे, ऋषभ कल कल बात करूंगा तेरे साथ भाई, तैयार रहियो। ऋषभ पंत क्या कर रहा होगा? वो अभी सबसे वो पहाड़ इंटरेस्टिंग में, बात ये है, पहाड़ पे गया हुआ है वो, उसका एक्चुअल घर वहां पर है ना, तो पहाड़ पे है वो। उसने लिखा है कि हाउ हाउज यू बूम सर एंड रोहित सर। हाँ, सर मतलब थोड़ा इतनी, इसमें चलो आपको तो थोड़ा इज्जत दी इंग्लिश, होगी, मुझे तो उसने अपने लाइफ में कभी इतनी इज्जत नहीं दी है जितना यहाँ ये झूठ लिख रहा है। बड़ा इंग्लिश झाड़ रहा है। अभी कल उससे बात करूंगा ना, पूरे इंग्लिश में ही बात करूंगा। आपके 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 वाइफ ने भी कमेंट किया है कि वो फ्लेमिंग हॉट क्या चीटोस, फ्लेमिंग हॉट चीटोस तो पता नहीं कभी खाया ही नहीं मैंने। अरे बुमरा, कोई बात नहीं यार, तूने खाया भी होगा तो उसमें क्या है यार, नहीं नहीं सिक्स पैक्स खा लेके लेंगे, पर घूम रहा है जब जो अभी, जब अवेलेबल होगा तब खा लूंगा मैं। सिक्स पैक्स लेके घूम रहा है, कभी कभी खा सकता है, ऐसा कोई उसमें वो थोड़ी है। नहीं नहीं खाता ही हूँ, बट यहाँ ऐसे मिलता नहीं है ना, मतलब चीटोज के बारे में मैंने इतना देखा नहीं। पंत और चहल मेरा दिमाग खा रहे इसमें। चहल तू मैं वही देख रहा हूँ, वो केस ले लिख रहा है आगे, कुछ तू है इसमें। ना अपने पिताजी को नचा रहा है यार, तेरे को शर्म आ रहा है कि नहीं साला? वो बोल रहा है कि आप और मेरा और चहल का कंपटीशन कर रहे हैं, बोलते हैं आप और मैं भी कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना मार सकता है, कितना मार आप लोग पाए दोनों। वो। तूने मूवी देखा है अपना वो रन, रन मूवी देखा है जो अभिषेक बच्चन और उसका मूवी है वो यार, उसमें एक कैरेक्टर है वो कौवा बिरयानी, विजय राज, वो विजय राज एग्जैक्ट चहल चहल, चहल एग्जैक्ट कौवा बिरयानी, उसका नाम रखा नहीं, रखना है मेरे को, कौवा ऋषभ पंत, बिरयानी। ऋषभ पंत बोल रहा है कि वो और आपका कंपटीशन करना है कि कौन सबसे दूर मार सकता है। पंत, अच्छा पंत बोल रहा है आप और वो। हाँ अच्छा मेरे साथ उसको करना है। साला एक साल हुआ नहीं इसको क्रिकेट खेल के, छक्के का कंपटीशन कर रहा है। उसको बोलता हूँ मैं भाई, मैं लोगों से पूछता हूँ, डाल दे उस पे, ट्विटर पे लोगों डालता हूँ मैं। लोगों से आप पूछोगे कि कौन कौन ज्यादा दूर मार सकता है बॉल अभी ये तो मतलब बेचारा वो फंस जाएगा। यार मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जब पंगा क्यों ले रहा है, फिर चुपचाप बैठ ना। अभी सब सब घर पे बोर हो रहे हैं। आई टॉक इन शुद्ध हिंदी ओनली। हाँ ये सब बीसी कर रहा है वो। ये चहल चहल तो होता ही है, चहल ऑनलाइन आया, मैं ये सब देख रहा हूँ। बट ये मैं वही बोल रहा हूँ आपने ये चहल, कितनी बार किया है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने ज्यादा अरे किया यार नहीं है ना। अभी मेरे साथ केविन पीटरसन ने किया, केविन पीटरसन ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू टॉक विथ फ्यू ऑफ योर टीममेट्स। ऐसे ही लोगों अच्छा लोगों को कुछ तो मिले यार क्रिकेट का। वो लोग को आता है, वो लोग रेगुलरली अच्छे से कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा इसमें अनाड़ी है। हाँ अनाड़ी तो यार, मतलब अच्छा हिट, ये मुंबई इंडियंस ने भी कुछ लिखा है, मुंबई इंडियंस ने लिखा है कि हिटमैन के साथ पंगा पड़ेगा महंगा। ये पंतो इंटरेस्टिंग पंतो, चीजें लिख रहे हैं लोग। अच्छा ये टाइम पास चल रहा है और क्या, हार्दिक लोग कितने लोगों को एंटरटेन हार्दिक कर रहे सर हैं का यार। आपने आपने हार्दिक सर से बात की है? नहीं अभी नहीं किया यार, अभी वो पता नहीं किधर गायब हो गया, दोनों भाई लोग गायब है, काफी ज्यादा ही हार्दिक क्वारंटीन में गए सर हो दोनों। बात करूंगा धीरे धीरे लोगों से यार, अभी और क्या, घर में बैठ के कुछ तो करे टाइम पास। आवाज गया तेरा बुमरा, आवाज गया तेरा पूरा गया, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी आया है, आवाज आ रहा है? ये नीचे माइक्रोफोन है ना, उसमें अगर तूने हाथ लगाया तो नहीं आएगा आवाज। मैंने तो नीचे नहीं हाथ लगाया। हाँ नहीं वो शायद तो अभी ठीक है। हाँ आ रहा है आवाज? अभी ठीक है, अभी ठीक है। चहल पूछ रहा है मुंबई इंडियंस मिस कर रहा है मुझे। किसको, चहल को? चहल पूछ रहा है कि उसको मिस कर रहा है, अच्छा चहल को बोल बेटे, ये मतलब मैसेज सबके मन पास से वो जाएगा, वापस आना चाहता है। आरसीबी के पास जाएगा, ये मैसेज बोल दियो उसको। हाँ उसको वो ये कप्तान को बोलेंगे। अगर अगर मुंबई अगर हारता था, एक भी जीतता नहीं था, तो शायद मिस करते थे उसको, बट अभी हम जीत रहे तो हम क्यों मिस करें उसको भाई। वो सुन रहा होगा ये बात, तो वो चल बिल्कुल ही सुन रहा होगा। बैंगलोर में बैठ तू, अच्छा है उधर। आपने उससे भी एक बार बात किया था ना? चहल से भी बात किया था काफी, 5-6 दिन पहले बात किया था, तो मैंने चहल उसको भी तो फोन। हर रोज यही मिलता होगा ये टाइम पे, मतलब उसको अगर देखना हो तो
हर रोज एवरी अदर डे तो लाइव होता ही होगा, तो उसको यही यही कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। मेरा आइडिया ले लिया उसने। मैंने उसको बोला था कि मैं कुछ प्लेयरों के साथ करूंगा ऐसी बातचीत। अभी वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा है ऑनलाइन जाके, ये वो सब। अबे चहल खुद का कुछ बना अपना मैंने उसको स्टार्ट बोला थोड़े थोड़े टाइम अभी नई नई हॉबी लेनी है तो सोशल मीडिया को जाने दे, कुछ और ट्राई कर, पर हाँ वो सुनता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हमारे जितने भी लोग हैं अभी व्यूअर्स लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने हमको कभी ऐसे नहीं बात करते हुए देखा होगा जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। भाई साहब हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जब हम अपने होटल में रहते हैं, हम अपने घरों में होते हैं। तो जो भी आप हमें सुनते हो इंटरव्यू देते हुए, वो इंटरव्यू है। तो ये हमारा घर का सीन है, घर का माहौल। अच्छा अरे मुझे बाबा मुझे एक बात बताओ कि आप खाना वाना बनाना सीखा है आपने, कि खाना खाना नहीं वाना बना बना? पाता हूँ यार मैं, बेसिक अपना ये जो है थोड़ा बहुत हेलो, बना लेता हूँ। समय से हाय बाबा, उसको यार मच्छर ने काट लिया, देख उसके सर पे लाल हो गया। उसका उसका मूड नहीं है। नहीं उसका मूड कभी रहता है कभी नहीं। अभी यहाँ से जाएगी तो चिल्लाएगी बूम 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 करके। वो बोलती है तेरा वो तो नाम मेरे को वीडियो भेजा था, मैं वो बहुत मैंने रखा है वीडियो। बूम बूम वेस बूम बूम। नो यू वांट टू से एनीथिंग? पता नहीं यार अभी उसका पूरे मूड पे डिपेंड है। वो भी क्यों खाना पतंग ही आप है बना यार रहे हो घर पे खाना कि बैठ नहीं वो बैठ बताओ? के। हाँ नहीं खाना, नहीं यार मेरी बीवी बना लेती है थोड़ा बहुत खाना वाना, मतलब पास्ता हो गया या फिर वेजीज हो गया, वेजी सैलेड। परसों उसने वेजी सैलेड बनाया था, वो बहुत अच्छा था ऑलिव ऑयल के साथ, तो वो अच्छा था। एंड झाड़ू कट का झाड़ू कट का मैंने झाड़ू मारा अपने कमरे का, क्योंकि मेरे को अपना कमरा चाहिए साफ, बाकी तो मैंने नहीं किया कुछ। बाकी नहीं। नहीं बाकी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत यार यहाँ वहाँ अभी यही सब कर रहा। उस दिन मैं जब पीटरसन से बात कर रहा था, उसके पहले मेरे को पूरा घर साफ करा था मैं। 2.5 घंटा लगा यार मुझे साफ करने में। अरे हमको तो आदत ही, मैंने हमारे घर में बालकनी में गार्डन लगा, तो हाँ गार्डन में वो अभी सेट ही हो रहा था क्योंकि हम जैसे ही न्यूजीलैंड से आए तो नए घर में शिफ्ट हुए, तो काफी 95% चीजें हो गई थी बट कुछ कुछ चीजें बाकी हुई, तो आधा गार्डन बना हुआ है अब। वो हाँ अब तो ये लॉकडाउन आ गया तो वो गार्डन का माली मैं बन गया हूँ क्योंकि और कोई चढ़ चढ़ के पानी डाल नहीं सकता है, बट तुम तो लोग मैं ही लकी हो बना हुआ यार, हूँ। तुम लोग वहां पर बड़े बड़े घरों में रहते हो, इधर हम अपार्टमेंट में फंस गए यार। इतना बड़ा भी घर नहीं है ये बट तुम्हारे तो। पास गार्डन वार्डन तो है ना यार? हमारे पास तो, हम तो हाँ अपार्टमेंट, बालकनी में है। हमारे पास व्यू है, हम ऊपर से हमको व्यू दिखता है अच्छा पूरे सिटी नहीं यहाँ पे का। कुछ, मैं तो सेकंड फ्लोर पे ही रहता, तो हम लोग का तो इतना कोई व्यू व्यू का ऐसा नहीं, हाँ बट है यहाँ पे अभी मतलब लोग अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि, पर क्या करें, बस कुछ फ्रस्ट्रेट हो, ये टाइम जितना थोड़ा होना है निकल। फ्रस्ट्रेट हो जाओ, घर में बैठ के जो करना है करो, टीवी तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, जो करना है करो, बट घर पे बैठ के करो जो भी करना है। नहीं, क्योंकि घर पे बिल्कुल, घर पे ही बैठ हम के एंड लोगों को घर के बाहर निकलना है। हाँ सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए घर के। हमको घर के बाहर निकलना है, हमको अपना लाइफ आगे लेके जाना है सबको। आज बेसिकली हमको क्या फर्स्ट है? अप्रैल है तो लोग उल्टा रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, वो रूमर्स जो फैलाते हैं कि ये है वो है ये है वो है। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये सब थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और क्या। बस चहल की तरह मत सोचो। चहल को कुछ भी हो तो चहल को बीच में कॉन्वर्सेशन में चहल आ ही जाता क्योंकि है। वो अपने आप को बहुत बड़ा, वो अपने आप को ग्रेट समझता है यार। तुम लोग के लोगों को किसी को पता नहीं है ये बात। अभी तो मैं लाइव भी बोल नहीं उसको सकता। उसको बहुत मजा आता है उसमें, वो इसको इतना फ्लो में वो आराम से उसको रोज वो इंस्टाग्राम, वो मतलब आगे जाके इन्फ्लुएंसर बन सकता है जैसे उसका क्रिकेट खत्म 100% होगा। बूम एंड रो, हु आर द मोस्ट मिसिंग फ्रॉम? किसको मिस कर रहे तू? मुंबई इंडियंस एमआई का। कैंप हाँ में से तू किसको मिस कर रहा है भाई? एमआई कैंप में से एक बंदा को अगर नाम लेना तो थोड़ा मुश्किल है, कैंप बेसिकली पूरा कैंप ही मिस हो रहा है कि मैं सी हाँ यार ऑब्वियसली हर तू साल आते हो तो हमारा, आप कुछ ना कुछ आपका ट्रेनिंग चालू हो जाता है, आप सीखते हो नया नया हर साल क्योंकि अभी हमारा वही स्टाफ भी मतलब ऐसा है। अभी ये टीम, ये 2 जो महीना था अप्रैल और मई, पूरा मतलब त्योहार का महीना होता है यार इंडिया में तो। आईपीएल लोगों के लिए त्योहार जैसा ही है, बट एक फैमिली बॉन्ड जो बोलते हैं ना, वो बन 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 गया था हमारा यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से। वही वो मुझे मुझे बोल रहा था कोई कि टू था, मैं तो आप तो और भी पहले से, 2013 के बाद ये पहला बार है कि अप्रैल और मई ऐसा टाइम है कि हम लोग घर पे,
नहीं तो कभी घर पे ही नहीं होते, मतलब चांस ही नहीं। आप तो बॉम्बे में होते हो बट फिर। अरे भाई आईपीएल के पहले भी अप्रैल मई में हम कभी घर पे नहीं थे यार हमारा, या तो कोई या स्कूल का टूर्नामेंट होता था या कोई जोनल टूर्नामेंट होता था, कुछ ना कुछ होता। अप्रैल मई में कौन घर बैठता है यार? आई थिंक जब भी हम स्कूल में थे ना तभी हम घर पे बैठते थे, क्योंकि वो समर हॉलीडेज होता था। समर वेकेशन हाँ पर तभी तभी भी हम क्रिकेट तो खेलते होगे ना। क्रिकेट तो खेलते ही थे हम। बट चलो होप करते हैं यार कि ये सब बेटर हो जाए एंड वी होप होपफुली टू। अपर अच्छा लोग सुन तो रहे हैं, कम से कम चीजें हो तो रही है तो काफी उससे फर्क पड़ रहा है लोग मुझे तो। पूछ रहे हैं आज बुमराह हु इज द टफेस्ट बैट्समैन ही इज फेस्ड टू बोल टू फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। कौन है भाई टफेस्ट बैट्समैन टू बोल टू? हाँ आवाज गया बुमराह तेरा वापस। अभी आ हाँ रहा है अभी आ आवाज? गया आ गया आ गया। टफेस्ट बैट्समैन मतलब किधर का टफेस्ट बैट्समैन? इंडिया का टफेस्ट नहीं बैट्समैन बाहर, इंडिया से के? बाहर, इंडिया के बाहर पूछ रहे हो लोग, इंडिया के बाहर ऐसे दिन मतलब की बात होती है, कभी तो कोई भी मार सकता है ऐसा पता ही है। पर अगर एक मतलब डिफिकल्ट अगर है तो लास्ट में तो एबी को डिफिकल्ट होता ही है जब ये डालते हैं। भी फिर यार यहाँ वहां करके कुछ भी मार देता है यार। जॉस बटलर भी लास्ट में कभी कभी मुश्किल हो हाँ जाता है जॉस बटलर वो भी। भी, जो जो भी बैट्समैन साले चारों तरफ खेलते हैं ना शॉट वो डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कैप्टन का उसमें भी, कैप्टन भी यार तुम कहाँ कहाँ फील्ड लगाओगे यार। देखो आप लास्ट में बोलिंग करते हो तो ऐसे कभी कभी तो कोई भी छक्का मार देता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट पर हम मुश्किल है। अगर इस अच्छा बार ठीक है तो आईपीएल आप हुआ ना, मुझे बताओ आप। अगर इस बार आईपीएल हुआ तो चहल का याद रखेंगे हम लोग, ठीक है? एक ओवर चहल को उड़ाने 100%। और चहल को डालने का भी राउंड द विकेट, आउट ही नहीं ओवर द करेंगे विकेट नहीं। उसको, उसको आउट नहीं करना है, उसको 6 बॉल खेलना है बस, फिर मैं देखता हूँ। वो नहीं, हम वो ये नहीं सुन रहा एलबीडब्ल्यू भी होगा। अगर हो गए ना अपील नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है छोड़ देंगे। शॉर्ट लेग टेस्ट मैच हाँ वाली फील्ड रख सकते हैं, टेस्ट मैच वाली फील्ड, लेग गली, एक शॉर्ट लेग, सही है। स्लिप विप की भी जरूरत नहीं है। मैं चाहिए तो लेग साइड में 2 स्लिप लगा दूंगा, नहीं बट वहां पे 3 फील्डर नहीं हो सकते ना उससे ज्यादा, तो ठीक है कोई बात नहीं। नहीं कुछ भी हो, राउंड द विकेट डालने का, राउंड द विकेट उसको बॉडी लाइन बोलिंग तो थोड़ा वो पुल मारता है ना। अच्छा अभी ऐसे ही कुछ लिखेगा कि मैं पुल मार दूंगा, मैं यही चलो कर ठीक है दूंगा। देख लेंगे पुल मारता है कि नहीं, देखता हूँ मैं पुल मारता है कि नहीं। देखा लिख रहा है, आया उसका कुछ आया है कि कुछ नहीं आई विल लिखेगा ब्रिंग आई इट विल ऑन। प्ले ब्रिंग इट ऑन ऐसा लिख रहा है। अच्छा बेटे ठीक है ठीक है ये तो इंटरेस्टिंग हुआ। एक बॉल डाली थी अभी धर्मशाला में, प्रैक्टिस कर रहे थे हाँ फिर से आवाज गया। हेलो। हाँ अभी आया। एक बॉल डाली थी धर्मशाला के नेट्स में तो खेला नहीं चला गया, और एक ही बॉल डाली उसमें बोल्ड भी हुआ, फिर बोल रहा है लाइट नहीं है, ये है वो है। हाँ नहीं नहीं मेरे को उसको देखना अच्छा सीरियसली, अभी तो देख के ही रहूंगा। मुंबई इंडियंस का एक सवाल है कि वो ग्रुप डांस किसने कोरियोग्राफ किया था न्यूजीलैंड में? ग्रुप डांस ये आइडिया चहल का था वीडियो बनाने का, बट डांस तो हमने यार सामने देख के, एक कोई वीडियो था उसको देख के हमने कोरियोग्राफ किया, बट कोरियोग्राफर एक्चुअली मैं ही था, मैंने ही सबको तो बताया पर कि आपने अपना चेहरा क्यों कवर कर दिया था? यार वो लोग ने मुझे बोला कि भाई थोड़ा स्वैग चाहिए ये चाहिए, तो मैं ऐसे एकदम थोड़ा सा स्वैग कवर कर करने दिया। गया, बट हाँ अरे यार किसी को भी पता था कि वो